सीबीआई के तीन महत्वपूर्ण एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात की जाए तो फास्टैग के जरिए बताया कि इंडिया डिजिटल हो रहा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है बिल्कुल साथ दे रही है। अब जम्मू में रिंग रोड का शिलान्यास हो चुका है और किस तरह की सौगात रहेगी, कितने फेजेस में रहेगा और कितनी सुविधा जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगी, हमारे साथ कुछ यहाँ पर अधिकारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं किस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट और कितना समय जो है पूरा होने में लगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट पूरा 58.255 किलोमीटर का है। यह NH-44 के राया मोड़ से निकलती है और ये वापस NH-44 में जगती में जाके मिल जाएगी। ये एक सेमी रिंग रोड है। इससे इसकी जो पूरी लागत है वो 2023 करोड़ का है और ये 6 चरणों में पूरा किया जाएगा। आज के इस दिन पहला चरण का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा 5 और चरण हैं, जैसे राया मोड़ से आपका चकवतारा, फिर आपका 26 किलोमीटर निक्की तवी बड़ी तवी से लेके अखनूर रोड, ऐसे ऐसे छठा जो मेरा चरण है उसमें 2 ट्विन टनल है, मतलब 4 टनल बनेंगे, 2 इधर 2 उधर, तो 4 टनल हैं। ये सारी जो प्रोजेक्ट है दिसंबर 2021 में पूरी हो जाएगी। तो ये आपको लग रहा है कि जो डेवलप्ड इंडिया का नारा था नेशनल हाईवे के बिना अधूरा था? देखिए, हर डिपार्टमेंट का अपना रोल है विकास में। ये हम तो नहीं कह सकते हैं कि विकास में सिर्फ NHAI ही योगदान दे रही है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि NHAI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सबको दिखता है, जैसे रोड दिखते हैं, ब्रिजेस दिखते हैं, फ्लाईओवर दिखते हैं, ये विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं कि आपके ऊपर केंद्रीय मंत्री जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि हर गांव तक सड़क पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहते हैं इसी तरह की बातें करते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों की जुबान पर है कि हर सड़क जो है आपके गाँव तक पहुँचे? देखिए, हर सड़क गांव तक जो पहुंचेंगी उनकी अलग अलग टाइप हैं। नेशनल हाईवे हर गांव घर तक नहीं पहुंच पाएगी, उसके लिए गांव तक पहुंचने के लिए PMGSY रोड होता है, वो गांव तक जाती है, हर एक घर तक जाती है पहाड़ों में। लेकिन हम लोग नेशनल हाईवे का निर्माण करते हैं। बेसिकली जो आज नेशनल हाईवे है वो बेसिकली जो चीज़ें समान हैं, जल्दी से जल्दी एक दूसरे जगह जा सके। इसे क्या होता है कि जो जो गांव के जो लोग हैं, जहां सब्जियां हो रही है या फूल हो रहे हैं या कहीं भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसका कि उनको माकूल पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनकी GDP बहुत कम है, हम नेशनल हाईवे जब बनाते हैं तो वो पास के 20-30-40 किलोमीटर दूर जा कर के या 100 किलोमीटर दूर जा कर के अपने सामानों को बेच पाएंगे, इससे उनको ज़्यादा अर्निंग होगी, इसलिए उनको उनके घर में खुशहाली आएगी, उनका GDP बढ़ेगा और अल्टीमेटली देश का तरक्की होगा। चलिए, साफ तौर पर GDP बढ़ेगा और अल्टीमेटली देश की तरक्की होगी, वो विकास होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री समय समय पर दावेदारी करते हैं और साथ तो मिला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, अब विकास भी आपके सामने। इसी के साथ जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं रूहानी, आप सब डाले नमस्कार।